एक ऐसा यूनिक यूट्यूब शॉर्ट चैनल आइडिया जिसके पॉपुलर वीडियोज पे आपको मिलियंस व्यू देखने को मिलता है, और इस तरह के वीडियो कॉपी पेस्ट करके बिना अपने फेस दिखाए क्रिएट कर सकते हो, और इस तरह के वीडियोज पे अच्छे खासे व्यू जहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही ये वीडियो है कैसा, इसका चैनल मोनेटाइज है फिर नहीं करे, सारा का सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों आप भी चाहते हो इस तरह वीडियोज में भी क्रिएट करूँ तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये चैनल देख लीजिए, इसकी मैं शॉर्ट्स वीडियो पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए शॉर्ट्स इस तरह के शॉर्ट अपलोड करते हैं और इसके शॉर्ट पे अच्छे खास ये देखिए आपको व्यू देखने को मिलेगा। आप दोस्तों दूसरे का वीडियो जो कॉपी पेस्ट करके भाई साहब सिर्फ अपना वॉइस देते हैं और देखते कोई वीडियो को पलट के दिखाता हूँ आखिर वीडियो है कैसा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। क्या लगता है आपको कितना मुश्किल होगा इन लकड़ियों को इस बॉक्स में डालना? अगर आप इन्हें इस तरह से रखेंगे तो ये छोटा टुकड़ा इसमें फिट नहीं हो पाएगा। अब आपको ये थोड़ा मुश्किल लगने लगेगा क्योंकि अगर आप इसको दूसरी तरीके से भी रखेंगे तो एंड में एक छोटा टुकड़ा बाकी रह ही जाएगा। इन लकड़ियों को बिना सोचे समझे यूं ही डालेंगे तो ये किसी भी हालत में फिट नहीं हो पाएगा। इसको सही तरीके से फिट करने के लिए इन लकड़ियों पे गौर कीजिए। ये टोटल में 8 लकड़ियां होती है और ये 4 अलग अलग साइज की होती है। आपको इन तीनों टुकड़ों को साइज बाय साइज बॉक्स में एक साइड रख देना है, फिर वैसे ही बाकी तीनों लकड़ियों को दूसरी साइड लगा देना है। अब बचेगी ये 2 छोटी लकड़ियां। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो अभी भी ये फिट नहीं होगा। अब आप बस इन लकड़ियों के तिरछे साइड को बॉक्स के साइड करके रखेंगे तो ये परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको वीडियो देखने को मिलता। अब दोस्तों बात करते इसका चैनल मोनेटाइज है फिर नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना, कमेंट वाले सेशन में ना अब जैसे यहाँ पे आते हैं आपको यहाँ पे देखिए थैंक्स बटन देखने को मिलता है, यानी कि भाई साहब का चैनल मोनेटाइज है। थैंक्स बटन उसी को मिलता है जिसका चैनल दोस्तों मोनेटाइज रहता है। और आप एक और चैनल देख रहे जो इसी तरह के वीडियो क्रिएट करते हैं मात्र 64 वीडियो में, MR रिएक्शन मास्टर। देखिए यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर यहाँ पे कम्प्लीट कर लिए और देखिए इसी तरह के वीडियो बनाते हैं। अब दोस्तों बात करते इस तरह वीडियो आपको कहाँ से मिलेगा। अब देखो यूट्यूब कॉन्टेंट का खजाना, इसके लिए आपको यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पे सर्च बार पे क्लिक करना, अभी जो मैं आपको 2 चैनल का नाम दिखा रहा हूँ आपको सिंपली कोई एक चैनल का नाम यहाँ पे सर्च करना। आप जैसे यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको देखिए इस तरह के बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा। अब यहीं से आपको वीडियो को डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यही सबसे पहले आपको देखिए मैं चैनल पे आता हूँ, इसकी देखिए लॉन्ग वीडियो आपको देखने को मिलता है, यहाँ से आप वीडियो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट पे जाकर देखिए शॉर्ट का भी यूज कर सकते हो। अब ध्यान में रखनी है जैसे आप वीडियो को वॉच कीजिएगा तो आप यूट्यूब इसी तरह के आपको बहुत सारे चैनल रिकमेंड करेगा तो आप वहाँ से वीडियो को ले सकते हो। अब दोस्तों देखिए जैसे यहाँ से आप वीडियो को डाउनलोड कर रहे हो यूट्यूब से तो आपको रियूज कंटेंट कॉपीराइट से बचना है, तो आपको एडिटिंग को अच्छे से देखनी है क्योंकि आप यूट्यूब से वीडियो को डाउनलोड कर रहे हो। तो इसको मैंने वीडियो को डाउनलोड कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको एडिटिंग करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो आपको जिससे भी थोड़ा भी आता है। अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। तो उसके बाद मैं यहाँ से काइन मास्टर को ओपन करता हूँ। उसके बाद आपको यूट्यूब पे क्लिक करना, यूट्यूब के शॉर्ट्स को लेकर यहाँ से क्रिएट कर देनी है। उसके बाद आपने जो वीडियो को डाउनलोड किया था उस वीडियो को आपको यहाँ पे लेनी है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे वीडियो को ले लेता हूँ, अब यहाँ से आपको अच्छे से देखिए तो सबसे पहले आपको मिक्सर पे जाना, इसकी जो रियल वॉइस होगी इसको आपको सबसे पहले बंद कर देना। इस प्रकार से जैसे बंद कर दोगे उसके बाद आपको वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, इस प्रकार से पहले वीडियो को देख देना आखिर वीडियो है कैसा। उसको आपको क्या करना, इस पर आपको क्लिक करना। अब यहाँ से आपको स्पीड वाले पर क्लिक, इसके स्पीड को आपको थोड़ा बढ़ा देना है, इस प्रकार से आपको हल्के थोड़ा बढ़ा देना है, इस प्रकार से आपको कर देनी है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे करते फिर आपको बैक आना। अब बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लो थोड़ा थोड़ा दूर में आपको आना है और यहाँ से आपको बीच से कट कर देनी, इस प्रकार से आपको कट कर देना है। क्यों करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ से इस तरह से कट कर देनी है, देखिए बीच बीच से आपको कट कर। अब जैसे इस पार्ट है, इस पार्ट को थोड़ा आप यहाँ पैन एंड जूम पे क्लिक करके हल्के जूम आउट कर सकते हो, इस प्रकार से जूम कर देना। देखिए इस प्रकार से आपको हल्के जूम कर देनी है, देखिए इस प्रकार से आपको थोड़ा जूम कर देना है। इसी प्रकार से फिर आपको क्या करनी है, हल्के आगे आनी है, फिर यहाँ से आपको बीच से क्लिक करके यहाँ से आपको कट कर देनी है, इस प्रकार से करना। फिर आपको पैन एंड जूम पे क्लिक करना, कोई पार्ट को आपको इस तरह से जूम कर देनी है और कुछ पार्ट को आपको जूम नहीं करना है, कुछ इस प्रकार से आपको कर देनी। अब यहाँ से आपको वीडियो को देखकर अपने मन से एक अच्छा सा स्क्रिप्ट को भी लिख सकते हो। स्क्रिप्ट को लिखने के बाद आपको यहाँ पे आईडी से पर क्लिक करके यहाँ से वॉइस को रिकॉर्ड करना है। अब जैसे यहाँ पे अपना वॉइस डालेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू ऐड होगा, इससे आपकी चैनल मोनेटाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आपको अपना वॉइस को डालना है और देखिए कुछ इस प्रकार से वीडियो। अब जैसे यहाँ पे अपना वॉइस डालेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये दोस्तों फॉरेन कंट्री का है, दूसरे देश का वीडियो है,
या अपनी वॉइस डालनी है तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से कर देनी, उसके बाद आपको वीडियो को देख देना आखिर वीडियो है कैसा, उसके बाद आपको ऑडिशन पर क्लिक करके ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वॉइस आप रिकॉर्ड करते हैं उसी प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले मैं यहाँ से वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैंने कुछ वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पे आपको देखने को मिला, ये मैं वॉइस को भी प्ले करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करनी है, यहाँ पे मैंने वॉइस को प्ले करके देख रखा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरी वॉइस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको सामने वाले जो पार्ट है आगे वाले पार्ट को आपको ट्रिम लेफ्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ से कट कर देनी है। इसका जैसे कट करते फिर आपको यहाँ पे घीच ला देना। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, अपने वॉइस के आधार पे वीडियो को मर्ज करनी है, तो मैं यहाँ से थोड़ा क्या करूँगा इस पर क्लिक करके थोड़ा पार्ट को मैं स्पीड करता हूँ, मुझे पता है कि थोड़ा इस पर स्पीड करने से मेरी वॉइस से मर्ज हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से कर देना। अब उसके बाद दोस्तों देख लेनी है कि अगर आपकी वॉइस कहीं पर आपको बीच में देखिए यहाँ पे मैंने गैप रखा हूँ, तो अब क्या करना आपको इस पार्ट को घींच के लानी है और यहाँ से आपको जहाँ पे वॉइस खत्म हो रही है देख सकते हो, तो यहाँ पे मेरी वॉइस खत्म हो रही थी, यहाँ पे क्लिक करके चले आइकन पे आना, यहाँ पे आपको टीम लेट ऐड कर देना, उसका देख सकते हो मेरा वॉइस यहाँ पे आप स्टार्ट होते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको पहले वॉइस को एडजस्ट कर लेना, फिर देखिए आप चाहोगे तो इस पार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे देख सो तो ये सेकंड लाइन है, यहाँ पे क्लियर इससे भी आपको थोड़ा स्पीड को थोड़ा बढ़ा देनी, इस प्रकार से कर देनी है। अब जैसे यहाँ पे करें तो फिर आपको क्या करनी है, आपको हल्के आ गया है, फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको इसको भी थोड़ा स्पीड को बढ़ा देनी है और यहाँ पे आपको थोड़ा वॉइस को प्ले करके देख लेना। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मेरा वॉइस है यहाँ पे बीच में फिर क्या पाया, क्या करना आपको यहाँ पे क्लिक करना है बीच वाले, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ सबसे पहले आपको कट कर। आप देखिए दोस्तों ये आपकी वॉइस को आपको वीडियो को देख के अच्छे से रिकॉर्ड करना, मैंने देख कर रिकॉर्ड किया ताकि मुझे पता है कि कौन से पार्ट को कट करना है कहाँ से क्या करना है, तो मैं आपको भी मैं वीडियो को प्ले करके भी दिखाऊंगा आखिर मेरा वॉइस कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, देखिए इस प्रकार से आपको कट के फिर यहाँ से आपको ट्रिम लेफ्ट कर देना, यहाँ से आपको इसको आपको हल्के आगे इस तरह से कर देनी है। देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने वॉइस को भी अच्छे से देखिए यहाँ पे कट कर लिया। अब उसका चाहिए तो आप अच्छे से ऑटो कैप्शन भी लिख सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी लिख सकते हो, लेकिन तो आपको ऑटो कैप्शन लगाना है, कैसे लिखना है ऑटोमेटिक अगर वो चाहते हैं तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आपको कॉमेंट में ऑटो कैप्शन सिर्फ लिख देना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसे भी बना दूंगा। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको एक ऑन कॉपी वाले बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड कर लेना है। अब कैसे आपको ऑन कॉपी वाले बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करना है मैं अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। यहां से एक म्यूजिक कोड कर रखा हूं तो म्यूजिक को यहां पे ऐड कर लूंगा, यहां पे मैं जाके देखिए मेरे पास है तो मैं यहां पे ऐड कर लेता हूं म्यूजिक का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक को क्लियर के थोड़ा बहुत आगे पार्ट को मैं यहां से कट करके इस पार्ट को मैं यहाँ पे इधर ला देता हूँ। अब यहाँ पे लाने के बाद जहाँ तक आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक की पार्ट है वहाँ तक देनी है, बाकी वाले पार्ट को यहाँ से कट कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ से आनी है और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको मिक्सर पे जाना है, इसकी वॉल्यूम को आपको बंद कर देनी, थोड़ी देर यहाँ पर रखनी है, यहाँ से मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह यूज करूँगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार से कर देने के बाद एक आप ऑटो कैप्शन भी लगा लें। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से आपका देखिए वीडियो बन के तैयार है, मैं थोड़ा पहले करके दिखा देता हूँ। कुछ कांच को हम इस प्रकार से रखेंगे तो क्या अच्छे से सारे के सारे एजेस हो जाएंगे, आइए हम रख के देखते हैं। जैसे हम इस प्रकार से रखते हैं आप भी देख सकते हो एक एक्स्ट्रा बच जाता है, तो कुछ इस प्रकार से हमें अच्छे से सेटअप नहीं हो रहा, तो क्या हम इस प्रकार से रखेंगे तो क्या मेरे सारा का सारा इसमें अच्छे से एजेस हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे देखो तो कोना बच जाता है। तो फिर क्या करता है मैं सारे का सारे निकाल देता हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप में रखता हूँ, जिससे जिस प्रकार से रखने पर आप देख सकते हो सारा का सारा यहाँ पे एजेस हो गया। दोस्तों देखिए मैंने वॉइस को अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया, आपको अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेयर पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है। अब यहाँ से आपको अपने चैनल का नाम लिख देना है, अब यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख दे, इससे क्या होगी कि आपकी थोड़ा कोई भी आपको कॉपी नहीं करेगा, तो आपको यहाँ से अपने चैनल का नाम लिख देना है। तो मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ, आपको अपना चैनल का नाम लिख देना है। कुछ इस प्रकार से लिख देने के बाद अब यहाँ से आपको नीचे में लगा देनी है, उसके यहाँ पे फ्रंट वाले पर क्लिक करके एंड्रॉयड पे आना। आप जैसे यहाँ पे आते देखिए बहुत सारे फ्रंट है, तो आपको कोई एक फ्रंट को आप पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ से इस फ्रंट को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे चलिए इस फ्रंट को मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से ओके करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आना है, अब यहाँ से अल्फा वाले पर क्लिक करके इसकी अल्फा की जो ऑपेसिटी को यहाँ से आपको थोड़ी कम कर देनी। इस प्रकार से कम कर देने के बाद इसको भी आपको 100 तक कर लेना, देखिए पूरे आपको यहाँ तक कर देना। इस प्रकार से कर दीजिए, देखिए आपकी वीडियो दोस्तों बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ वाले पर क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव आप वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना है। दोस्तों इस प्रकार से आपका दोस्तों वीडियो बन जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं इस तरह के वीडियोज को आप कौन से कैटेगरी में रखोगे, इसको आप एजुकेशन के कैटेगरी में रख सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब